जी, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल लता ब्लॉग पे। तो जैसा कि आप मुझे देख रहे होंगे, सिलबट्टा है और ये है भट्ट। तो मैंने ये कल रात को पिघा दिया था। मैं बना रही हूँ आज भट्ट का साग। हमारे यहाँ तो भट्ट का साग बोलते हैं, कई जगह इसके भट्ट के डुबके भी बोलते हैं। आप लोग क्या बोलते हो मुझे बताना। तो अब मैं कर रही हूँ इसकी तैयारी। तो मैं आज मैं दिखाती हूँ मैं इसे किस तरीके से बनाती हूँ। तो बने रहिए आप लोग मेरी वीडियो में। तो ये देखो, इसमें काले भट्ट भी हैं, सफ़ेद भट्ट भी है। ये मैंने कल रात को भिगा दिए थे। तो अब मैं इनको पीसती हूँ सिलबट्टे में। होने को तो मिक्सी भी है पर मैं मिक्सी में नहीं पीसती, मैं सिलबट्टे में ही पीसूंगी, क्योंकि सिलबट्टे का मोटा मोटा अच्छा स्वाद आता है। तो ये देखो, मैंने ये पीस लिया है। और ना मैंने ये थोड़ा मोटा मोटा पीसा है, मिक्सी में बारीक पीस जाता है तो इतना स्वाद नहीं होता, इसीलिए मैं इसे सिलबट्टे में ही पीसती हूँ थोड़ा मोटा मोटा पीस के। इसका अच्छा स्वाद आता है। और अभी इतना और है पीसना। तो ये देखो, और बबलू इसका खाते नहीं है, नखरे करते हैं, तो मैंने बबलू का सर फोड़ने के लिए रखा है। तो मैंने पीस लिया है और मैंने मोटा मोटा ही पीसा है। तो और मैंने ना, बहुत लोग इसे छिकल भी निकालते, तो मैं छिकल सही थी पीसती हूँ, दला हुआ भी पीसते हैं ये लोग, पर ये ज़्यादा टेस्टी होता है। तो आप लोग प्लीज़ एक बार ऐसे बना के देखिए। तो अब मैं अंदर इसकी बनाने की तैयारी करती हूँ। तो चावल बबलू ने चढ़ाया था, मैं गई थी अभी जी को लेने। अब बना रही हूँ मैं भट्ट का साग। तो देखिए मैं कैसे बनाती हूँ। तो ये है घर का घी हमारा, मैं घी में ही बनाती हूँ। घी में ना काफी ज्यादा अच्छा स्वाद आता है। तो हो गया है, अब मैं डाल देती हूँ जीरा। जीरा हो गया है, अब हम इसमें भट डालेंगे। तो भुनेंगे इसे अच्छी तरह से। तो ये देखो, मैंने इसे हल्का भून लिया है। अब मैं इसमें आटा भी डाल देती हूँ, आटा भी भून देती हूँ। और आटा ना आप अंदाजे से डालना, क्योंकि ना ज्यादा गाढ़ा अच्छा होता है ना ही पतला, तो इसलिए आप अपना अनुमान से आटा डालें। तो मैं मसाले डाल रही हूँ, मैं जो ये डेली के मसाले होते हैं वही डालूंगी, कुछ एक्स्ट्रा नहीं डालूंगी। और मुझे ये काफ़ी टाइम से खाने का मन था, तो मैं आज फाइनली इसे बना रही हूँ। मुझे तो काफ़ी ज़्यादा पसंद है ये। इन लोगों के थोड़े नखरे होते हैं इसे खाने में, तो मैंने आज इनको साइड करके अपने पसंद का बनाया हुआ है, वरना हमेशा इनकी पसंद का ही होता है इन लोगों को। तो ये देखो, मैंने मसाले भी थोड़ा पका लिया है। तो मैं इसमें पानी डाल देती हूँ। तो मैं इसे थोड़ी देर टमाटर में से छोड़ दूंगी। और यहाँ देखो, मैं इसमें डालती हूँ लहसुन। तो मैंने ये लहसुन कूट दिया है, अब मैं इसमें पानी डाल के फिर डालूंगी इसमें। तो मैंने ना, इन लोगों ने, जब मैं यहाँ आई तब से इन लोगों ने खाना सीखा है, खाते हैं पर नखरे करते हैं। कुछ चीज़ें मैंने यहाँ आके सिखाई, तो कुछ चीज़ें इन लोगों ने मेरे आने से सिखाया है। तो देखो, मैंने इसमें पानी भी डाल दिया और मैंने थोड़ा आँच भी कम बढ़ा लिया है, क्योंकि थोड़ी देर से ऐसे पकने लगेंगी, फिर मैं आँच कम करूँगी। और मुझे तो ये काफ़ी ज़्यादा पसंद है, तो जिन लोगों ने ये खा रखा है, आई होप उन लोगों को भी ये पसंद आएगा। तो अब इसे पकने के लिए छोड़ देते हैं। और चावल भी लगभग बन गया है, और नमक आप लोग अपने स्वाद के अनुसार डाल लें। तो ये देखो, इसमें एक उबाल आ गया है। अब मैं आंच कम कर देती हूँ, टमाटर में पकाती हूँ। तो फिर मैं जाती हूँ धनिया लेने इसके लिए, पहाड़ी धनिया। ये मैं ला गई हूँ धनिया, मूली हमारे खेत के हैं, शुद्ध पहाड़ी ऑर्गेनिक। तो पक गया है, अब मैं इसे बंद कर देती हूँ और डालती हूँ मैं इसमें ऊपर से हरा धनिया। तो खाना पक गया है, पहले इन दोनों को खिला देती हूँ। जीव का दोस्त आया आज, हम लोग अभी खाएंगे, भैया आने वाला है, तो मैं इनको खिला देती हूँ, फिर खाएंगे हम लोग। कितना कितना खाओगे बताओ? दो दो है? दो दो। दो दो का क्या मतलब होता है? दो दो, पांच पांच। तो इनकी डिमांड
खंड और ये घी चाहिए, एक कह रहा मुझे बड़ा चाहिए, एक कह रहा मुझे बड़ा चाहिए। कितना चाहिए? बड़ा छोटा छोटा डालूंगी, ज्यादा जा वहीं से कूद मारना। जा ले, कितना दे, इससे बड़ा कितना दूंगी अब मैं मेरे को भी बड़ा ज्यादा नहीं खाते बच्चे। और पूरा ही और पूरा नहीं खाया ना तुम दोनों की, तो मैं फिर बताऊंगी अच्छी से। चलो क्या दूं? मिस्टर कैसा हो रहा है भाई? कैसा रहा? कैसा मस्त हो रहा है। तो फिर खा खो के अपने बर्तन धो के जाना है, ठीक है? ऐसे नहीं जाना है। तो बच्चे एक दूसरे को देख के ही खाते हैं। ये तो जाइस की मम्मी बुला रही थी, पर मैंने कहा साथ में खा लेंगे करके एक दूसरे को देख के, तो मैंने रोका इसे। खाओ पिलो, खाओ पिलो, खाओ पिलो। अच्छा है ना? हाँ। तो आगे है भैया, अब मैं इन दोनों के लिए डाल देती हूँ, फिर खाऊंगी मैं। पहले इनको खिला लेती हूँ। तो ये देखो डाल दिया मैंने दोनों के लिए, अब मैं बबलू और भैया को बाहर ही देके आती हूँ। तो ये लोग खाने लग गए हैं और इसका डिमांड है कि ये लाल मिर्ची का अचार मैंने घर पे डाला है, तो मैं इनको खिला रही हूँ पहले, फिर खाऊंगी मैं। तो ये देखो बाहर आगे खाने वाले लाल साहब बने हैं, मेरे को खाने नहीं दे रहे, मुझे भी भूख लगी है, 2:30 बज गए बदतमीज से। कचोरी पहले बताओ। दाल बहुत बढ़िया हुई है, दाल बड़ा कमी है। तो ये मोटापे की दुकान देखो, यहाँ पे अकेले अकेले फाड़ने में खाना सारा, कढ़ाई आधी कर ली देखो ये। और ये चावल भी देखो ना, दो बारी है, फर्स्ट राउंड का खत्म करके दूसरा घी भी सब। तो खा लिया है खाना, मैंने काफी टाइम बाद बनाया था तो काफी अच्छा लगा। मेरा बस चले मैं तो रोज बना दूं, पर इन लोगों के उससे नहीं बना पाती हूँ। तो आप लोगों को मेरी ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय बाय।